नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर में। आप लोग सब लोग को मैं सबसे पहले भाई ये बता दूं कि आप लोग के अपकमिंग एग्जाम जो केवी के एग्जाम्स है, पीजीटी, पीआरटी, पीटीजीटी, लाइब्रेरियन और सारा एलडीसी, वेलडीसी, यूडीसी, सारे एग्जाम्स में आप लोग के कंप्यूटर का सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं आज के कंप्यूटर के क्वेश्चन में। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग के आगे की मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा तो आप लोग उसका वीडियोस का अगर आप लोग को फायदा उठाना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नीचे से चैनल को सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप लोग को हर वीडियो हर टाइम पे आप लोग को राइट टाइम पे मिल जाए। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज सिस्टम इज कॉल्ड, तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाता है सीपीयू, विच इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग एंड यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन आप लोग का है द डिफरेंस बिटवीन द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड द फर्स्ट जनरेशन ऑफ इन द अदर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। टोटल पांच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होते हैं, सब में क्या होता है आप लोग का टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आप लोग होता रहता है। तो आप लोग का सही आंसर फिफ्थ जनरेशन और अदर जनरेशन में क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये हो जाता है आप लोग का फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये हो जाता है सी, और ये हो जाता है आप लोग का कॉमन बिजनेस लैंग्वेज ओरिएंटेड लैंग्वेज। आप लोग का सही आंसर क्या हो जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज फॉर, करेक्ट आंसर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप लोग का, जो सही हो जाएगा आप लोग का इधर पे क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कॉमन कॉमन बाउंड्री बिटवीन द टू सिस्टम्स, दो सिस्टम के बीच में जो कॉमन बाउंड्री होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेस, इंटरफेस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगला जो क्वेश्चन आप लोग का आस्की कोड होता है, एक आस्की का फुल फॉर्म पूछते हैं, तो आस्की का फुल फॉर्म में ए का मतलब होता है अमेरिकन, और एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, सी का मतलब होता है कोड, आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, आई और दूसरा आई का मतलब होता है इंटरचेंजेबल, इंटरचेंज। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का विच डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेशन डिस्पेंसेस विद द यूज ऑफ द कीबोर्ड, मतलब इसका मीनिंग ये है कि आप लोग का जो कीबोर्ड होता है, जो कीज होते हैं उसमें, इस कीज को यूज करने से आप लोग को ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसका यूज करने का कोई फायदा नहीं है, तो इस मतलब उसको हम लोग उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है हम लोग जब कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो हम लोग माउस को यूज़ करने के लिए के यूज नहीं करते, अगर कीबोर्ड का अच्छा नॉलेज है तो माउस का कोई यूज़ नहीं है। तो माउस आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, माउस का यूज़ जो है आप लोग का खत्म हो जाएगा, इसलिए माउस आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज लाने के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज होता है, तो आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा असेंबलर जो है आप लोग का असेंबली लैंग्वेज से डायरेक्ट आप लोग का मशीन लैंग्वेज में ला देता है, जिससे मशीन समझ जाती है। असेंबली लैंग्वेज हम लोग समझते हैं, मशीन लैंग्वेज मशीन समझती है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर यूज होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग का है द टाइम फॉर विच ए पीस ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेट्स, इसका मीनिंग ये बोल रहा है कोई भी पीस ऑफ इक्विपमेंट है उसको ऑपरेट कर रहा है वो, तो उस टाइम पे जो है वो मतलब जो ऑपरेट हो ऑपरेशन चल रहा है उसका, उस टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव टाइम बोलते हैं, इफेक्टिव टाइम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगला क्वेश्चन आप लोग का है इसको अरेंज करना है हम लोग को इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग में, तो ऑब्वियस आप लोग की बता दूं मैं, टेराबाइट सबसे ऊपर होता है, 10^2 होता है, ठीक है, टेराबाइट सबसे ऊपर होता है, उसके बाद आप लोग का पता है आपका लोग का आता है जीबी, उसके बाद आप लोग का आता है एमबी, उसके बाद आप लोग का केबी, तो ये आप लोग का सीक्वेंस होगा। तो इधर आप लोग देखते हैं कि इसमें ऐसा सीक्वेंस बन रहा है, ये टेराबाइट बना, जीबी बना, फिर एमबी बना, फिर लास्ट में केबी बना, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का है विच ऑफ द फोर विच ऑफ दिस स्टोर्स मोर मोर डाटा देन डीवीडी, मतलब आप लोग को सबसे सबसे कम तो सीडी करता है, मतलब फ्लॉपी डिस्क करता है, फिर सीडी करता है, फिर डीवीडी करता है, फिर डीवीडी के ऊपर कौन सा होता है आप लोग का ब्लू रे डिस्क, ये आप लोग का गलत, ये आप लोग का गलत, और ब्लू रे डिस्क आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ब्लू रे डिस्क आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, डीवीडी से ज़्यादा आप लोग का स्टोरेज करता है वो। अगला क्वेश्चन आप लोग का प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो मतलब एक कंप्यूटर है वो जब आप लोग को प्रिंटर से पेज निकालता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस पेज को हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी। अगला क्वेश्चन आप लोग का है विच वन ऑफ द एस ऑल्सो नोन एज रीड एंड राइट मेमोरी, तो रीड एंड राइट मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी को बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी को रीड एंड राइट मेमोरी बोलते हैं हम लोग, तो आप लोग का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा रैम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का है विच वन इज रिजल्ट ऑफ आउटपुट गिवेन बाई ए कंप्यूटर, आउटपुट गिवेन बाई ए कंप्यूटर, हम लोग क्या करते हैं हम लोग कोई भी चीज़ को डाटा को देते हैं जो कि एक इरेगुलर चीज़ में रहता है उसको अरेंज करके इन्फॉर्मेशन देता है हम लोग को आउटपुट पे, तो आप लोग का इन्फॉर्मेशन जो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा इसका, विच वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ आउटपुट गिवेन टू द कंप्यूटर, तो ये आप लोग का हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन आप लोग का है 8 बिट मैक्स क्या बनाता है, 8 बिट्स क्या बनाता है आप लोग का बाइट बनाता है, और किलो बाइट आप लोग का 2^6 होता है,
और आप लोग का मेगाबाइट आप लोग का नहीं किलो, 2 2 पर आप लोग का बाइट का जो किलोबाइट, बाइट इक्वल टू 1000 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट, ठीक है, 1000 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट हो जाता है। उसके बाद मेगाबाइट की बात किया जाए तो 1000 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट होता है, 1000 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट और 1000 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट, तो आप लोग का 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है, तो आप लोग का सही आंसर यहाँ पे बाइट हो जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दूँ, एक तो 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है, और अगर 4 बिट आ गया आपके तो 8 बिट का तो आप लोग को बता दिया, आप लोग को 8 बिट का मतलब होता है आप लोग का बाइट, लेकिन अगर 4 बिट आ गया आप लोग को तो 4 बिट का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। 4 बिट का मीनिंग होता है निबल, 4 बिट मतलब 1 मतलब 1 2 निबल इक्वल टू 1 बाइट होता है, 2 निबल इक्वल टू 1 बाइट होता है, और 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स होता है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, इसको ऐसे आप लोग को क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये है, द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड, जो आप लोग का प्रिंटर से बाहर आता है वो तो हार्ड कॉपी है तो ये गलत हो गया ऑप्शन, वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है जो कि मॉनिटर होता है ये गलत हो गया, स्क्रीन कॉपी कुछ होता नहीं है, आप लोग का सही आंसर सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा, जो आउटपुट आप लोग को शो करता है कंप्यूटर मॉनिटर में आप लोग को उसको बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट कॉपी। तो ये आप लोग के कुछ क्वेश्चन हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आगे की वीडियो आप लोग को अगर चाहिए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जितना हो सके उतना शेयर एंड लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है, तो अपना रेस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, अपना जो भी एक्शन है आप लोग इसमें से ले सकते हैं ये तीनों चीज करके, ये हमारे लिए आप लोग करेंगे ये तीनों चीज करेंगे तो उससे आप लोग का रेस्पॉन्स हम लोग को पता चलेगा, यही एक तरीका है आपका रेस्पॉन्स पता करने के लिए, तो इसको आप लोग जरूर कीजिएगा, अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की वीडियोस का पाने के लिए, हो सकता है कि आप लोग के लिए ये वीडियो से ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए और आप लोग को बहुत अच्छी मार्क्स आ जाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।